नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको मोबाइल से इस प्रकार की इफेक्ट वाली शॉर्ट वीडियो बनाना सिखाएंगे। जैसे अभी देखिए, आपको यहाँ पर सामने वीडियो चलती दिख रही होगी। देखिए, आप इस प्रकार की इफेक्ट वीडियो अपने मोबाइल से बनाकर देखिए। नीचे यहाँ पर सब्सक्राइबर, लाइक और शेयर का बटन भी लगा सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पर सामने लगा दिख रहा होगा। इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया है कि रोजाना आप नए नए इफेक्ट कहाँ से लाएंगे और आप अपनी वीडियो के लिए कॉपीराइट फ्री इमेज और वीडियो कहाँ से डाउनलोड करेंगे और इस प्रकार की वीडियो को एडिट कैसे करेंगे। मैंने आपको सब कुछ इस वीडियो में बताया है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको कहीं पर भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लें। अब देखिए, मैं यहाँ पर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आप रोजाना नए नए इफेक्ट कहाँ से लाएंगे। सभी स्टेप आपको एक एक करके बताएंगे, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। देखिए, आप रोजाना नए नए इफेक्ट यूट्यूब से भी ले सकते हैं, गूगल से भी देख सकते हैं। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर इस गूगल पर क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पर हिंदी इफेक्ट लिखकर सर्च करना है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर हिंदी इफेक्ट लिखकर सर्च करता हूँ। इस प्रकार आपको यहाँ पर हिंदी इफेक्ट लिखकर सर्च करना है और आपको यहाँ पर इमेज लिखा दिखा देगा। आपको यहाँ पर इमेज पर क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे इफेक्ट आ जाएंगे। आप यहाँ से इन इमेज को पढ़कर रोजाना नए नए इफेक्ट देख सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे नए नए इफेक्ट मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा है, अगर आप चिंगम खाते वक्त प्याज काटेंगे तो आपकी आँखें आंसू नहीं आएंगे। तो आप इस पर भी वीडियो बना सकते हैं। केवल आपके वीडियो में बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपकी वीडियो बहुत ही जल्दी वायरल हो जाएगी। अब देखिए, आपको मैं दूसरा स्टेप बताता हूँ कि आपको क्या करना है इसके बाद। अब देखिए, आपको इफेक्ट तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपनी इफेक्ट वीडियो बनाने के लिए इस प्रकार के बैकग्राउंड की आवश्यकता होगी। मैंने यहाँ पर ये बैकग्राउंड इमेज पहले से बना कर रखी है, जिससे आपको वीडियो बनाने में बहुत ही आसानी हो। आपको अपनी वीडियो बनाने के लिए जो भी फोटो या वीडियो को इस्तेमाल करना है, आपको यहाँ पर इसके बीच में लगा देना है, जिससे आपकी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी। और आपको एक कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक की भी आवश्यकता होगी, जिसे आप अपनी वीडियो में लगाएंगे। तो देखिए, आपको इस बैकग्राउंड इमेज को डाउनलोड करने के लिए, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक डाउनलोड करने के लिए, फिर से आपको यहाँ पर गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर KVM हेल्प लिखकर सर्च करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर KVM हेल्प लिख दिया है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर KVM हेल्प लिखकर सर्च करना है और आपको किसी पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, आपको यहाँ पर इस वेबसाइट के यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना है। सर्च बार पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 244 फैक्ट लिखकर सर्च करना है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर 244 फैक्ट लिख दिया है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 244 फैक्ट लिखकर यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करना है। अब देखिए, आपको यहाँ पर नीचे लिखा दिख जाएगा, फैक्ट वीडियो कैसे बनाए, आप किसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर नीचे इसको लिख करके जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर नीचे जा रहा हूँ, इस प्रकार से आपको यहाँ पर नीचे जाना है। जैसे आप यहाँ पर नीचे जाओगे, देखिए आपको यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज का भी डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। देखिए, आपको यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक का भी डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। और देखिए, आपको यहाँ पर ये तीन वेबसाइट दी गई हैं। आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा होगा पिक्सल्स, पिक्सावे, मिक्स किट। आप इन वेबसाइट से कॉपीराइट फ्री वीडियो और इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। जैसे देखिए, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर इसी पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आपको यहाँ पर जो भी डाउनलोड करना है, वीडियो डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पर वीडियो पर क्लिक कर देना है, फोटो डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पर फोटो को सर्च कर लेना है। इस प्रकार से आप यहाँ पर तीनों वेबसाइट पर देख सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से आपकी बैकग्राउंड इमेज भी डाउनलोड हो जाएगी, बैकग्राउंड म्यूजिक भी डाउनलोड हो जाएगा। और देखिए, आपको यहाँ पर कॉपीराइट फ्री वीडियो और फोटो कैसे डाउनलोड करेंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, अगर आप जिस भी टॉपिक पर अपनी वीडियो को बनाते हैं, अगर आपको इन वेबसाइट में फोटो या वीडियो आपके मन का नहीं मिलता है तो आपको कैसे डाउनलोड करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, आपको गूगल पर आ जाने के बाद, अब देखिए, जैसे अगर आपको एग्जाम्पल के लिए रुपए की इमेज को डाउनलोड करना है, जैसे देखिए मैं यहाँ पर रुपीज इमेज लिखता हूँ। इस प्रकार आपको यहाँ पर किसी भी इमेज को डाउनलोड करना है तो आपको इस प्रकार से लिखना है और इसके बाद आपको यहाँ पर इमेज पर क्लिक कर देना है। आप देखिए, आपको यहाँ पर जो भी इमेज देखें, इनमें से आप किसी भी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। केवल आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी इमेज यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं, उस इमेज पर किसी भी वेबसाइट का लोगो नहीं लगा होना चाहिए या फिर किसी भी वेबसाइट का नाम नहीं लिखा होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप जिस भी टॉपिक पर अपनी वीडियो बनाते हैं, अगर आपको उन तीन वेबसाइट से आपको कॉपीराइट फ्री इमेज नहीं मिलती है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए, आपको कॉपीराइट फ्री इमेज को भी डाउनलोड करना बता दिया है, रोजाना नए नए इफेक्ट को देखना भी बता दिया है। अब आपको वीडियो को एडिट करना बताता हूँ। तो देखिए, आपको अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए अपने मोबाइल में KineMaster ऐप को ओपन करना है। अगर आपके मोबाइल में KineMaster ऐप पहले से नहीं है तो आप प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इसे आपको पहले डाउनलोड कर रखा है, चलिए ओपन करते हैं। देखिए, जैसे आप अपने मोबाइल में KineMaster ऐप ओपन करोगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर 1:1 पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
अब आपके यहाँ पर सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। आपको यहाँ पर इस मीडिया वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर मीडिया वाले आइकन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके फोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी से आप इस इमेज को चूज कर लीजिए जिसे आपने अभी डाउनलोड किया था। इसके बाद आपको यहाँ पर इसी इमेज पर लेयर पर क्लिक करना है और आपको लेयर को खींच कर यहाँ पर कम से कम एक मिनट तक कर देना है। और आपको यहाँ पर पीछे आना है, पीछे आने के बाद आपको यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी आवाज को रिकॉर्ड करना है। आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए आपको यहाँ पर वॉइस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। वॉइस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर अपनी आवाज को बोलना है, जो भी आपको वीडियो बनाना है। आपकी देखिए यहाँ पर आवाज रिकॉर्ड हो रही है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। जैसे आप यहाँ पर स्टॉप वाले बटन पर क्लिक करोगे, आपकी आवाज रिकॉर्ड होना बंद हो जाएगी। देखिए यहाँ पर इतनी आवाज रिकॉर्ड हो चुकी है। अगर आपकी आवाज रिकॉर्ड करने में कोई गलती हुई तो आप यहाँ पर डिलीट वाले आइकन पर क्लिक करें, यहाँ पर इसे डिलीट कर सकते हैं, दोबारा से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर पीछे आना है और आप टिक वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर फोटो और वीडियो को लगाना है जिस तरह से आपने यहाँ पर बोला है। इसके लिए आप यहाँ पर इस लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर इस मीडिया वाले ऊपर दूसरे मीडिया वाले आइकन पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर अपनी फोन की गैलरी से फोटो या वीडियो को चूज कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर इस इमेज को चूज कर लिया जिसे अभी मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया था। अगर आपके यहाँ पर ये वीडियो या इमेज सही फिट नहीं बैठती तो आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कीजिए और देखिए आपके यहाँ पर क्रॉपिंग का ऑप्शन दिखिए, आप इस पर क्लिक कीजिए और इस तरह से आप क्रॉप भी कर सकते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर आगे करना है और आप यहाँ पर अपनी दूसरी फोटो या वीडियो को जोड़ते जाइए जितनी आपने यहाँ पर अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड किया है। इसके बाद आपको यहाँ पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं ऊपर, तो आपको यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट का आइकन दिखेगा, आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर जो कुछ भी लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर ऐसा ही लिख दिया है और आप यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर इसे ले आइए। देखिए अभी आप यहाँ पर ये सही नहीं दिख रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर इस ए वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर इसका फॉन्ट बदल देना, जो भी आपको फॉन्ट यहाँ पर रखना है। टिक वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर ये अभी सही हो गया है लेकिन अभी इसका कलर सही नहीं। इसके लिए आप यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर जो भी कलर रखना है आप यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए अभी भी ये यहाँ पर ये सही से नहीं दिख रहा है, इसके लिए आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर शैडो को ऑफ कर देना है। अब देखिए यहाँ पर ये सही प्रकार से लगने लगा है। देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पर इतना सब करना बताया है, इस प्रकार से यहाँ पर अपनी पूरी वीडियो को बना सकते हैं। जब आपकी पूरी वीडियो बन जाए तब आपको यहाँ पर इस कोने वाले इस आइकन पर क्लिक करना है। इस आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर इसी वीडियो पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे, आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होकर आपके फोन में सेव हो जाएगी।